नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे अंबिकापुर से बड़ी खबर की। टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान, लोकसभा की 3 सीटों पर जीत कठिन। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान है, जहां रायपुर दुर्ग बिलासपुर सीट पर जीत को वो कठिन बता रहे हैं। 3 सीटों पर बीजेपी के अच्छे प्रत्याशी उतारे गए हैं, बाकी 8 सीटों पर कड़ी मेहनत करनी होगी और वहां पर हो सकता है कि सफलता मिल पाए। तो आप ये देखिए कि जो पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं टीएस सिंहदेव, वे खुद इस बात को मान रहे हैं कि लोकसभा की 3 प्रमुख सीटों पर जीत काफी मुश्किल है और उनका ये बयान चौंकाने वाला। रायपुर दुर्ग बिलासपुर की सीट उन्होंने बताई है। 3 टफ हैं, इसमें बहुत मेहनत लगेगी 3 में कांग्रेस को, और 8 में तो मेहनत अगर अच्छी होती है, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। देखिए रायपुर टफ है, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, दुर्ग मेहनत करनी पड़ेगी, एक आध और जोड़ लीजिए मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी 8 में हमारी अच्छे चांस है। अब अगर ये तो 65 से 75 सीट जीतने वाले थे, उस समय दावा यही लोग करते थे, तो दावा करते करते लोग कहाँ पहुँच गए सबको मालूम है। और सच में पूछा जाए, देखा जाए आप लोग अभी कि ये सब कांग्रेसियों का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका है, उनका हिम्मत नहीं है। पूरे के पूरे साफ होने वाला है, ये देखते रहिएगा। 11 के 11 सीट भारतीय जनता पार्टी। तो आप देखिए 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये दावा कर रहे हैं बीजेपी के नेता। और आप ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ श्रवण महंत जुड़ गए। श्रवण, टीएस सिंहदेव काफी संजीदा नेता हैं, बहुत सोच समझ कर वो कोई भी बयान देते हैं, और उनका ये बयान कि 3 सीट पर बीजेपी के अच्छे प्रत्याशी और यहाँ पर जीत कठिन है, और साथ ही ये कहना कि बाकी अन्य जो सीटें बची हुई हैं वहाँ पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही जीत हासिल होगी। यानी कि एक तरीके से देखें तो उन्होंने एक तरीके का एक स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी उतने दमदार नहीं है प्रमुख 3 सीटों पर। श्रवण जी, बिल्कुल, जिस तरह से 3 चरणों में छत्तीसगढ़ में लोकसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में जैसे जैसे तारीखों के नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो है नेताओं के बयानबाजी भी शुरू हो गए हैं। अभी टीएस सिंहदेव जो है पूर्व डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया कि जो कांग्रेस के जो 3 सीट हैं, जैसे दुर्ग का नाम किया, बिलासपुर का नाम किया और रायपुर का जिक्र किया उन्होंने, और इस 3 सीटों पर उन्होंने कहा कि इन 3 सीटों पर जीतना बड़ा ही मुश्किल है और बाकी जो 8 है उसमें भी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हालांकि जिस तरह से टीएस सिंहदेव बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं, वो जिस तरह से उनका बयान सामने आया है, इससे ये साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की मुश्किलें काफी बढ़ी हुई है और तमाम जो छत्तीसगढ़ के 11 जो लोकसभा सीट है उसमें उनको मेहनत करने की जरूरत है, ऐसा उन्होंने साफ तौर पर बयान में ये बताया है। और 3 सीटों को तो बहुत ही मुश्किल बताया है, इसमें कड़ी मेहनत की जरूरत है उन्होंने कहा है, तब कहीं जाकर के हमने इसमें जो है जीत हासिल कर पाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। हालांकि इनके बयान के बाद जो है कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने भी पलटवार किया है, उन्होंने कहा है कि 65 से 75 सीट का दावा तो लगातार कांग्रेस विधानसभा चुनाव में करती आ रही थी, लेकिन इसके बाद भी वे सत्ता से हाथ धोना पड़ा। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि कांग्रेस की मुश्किलें अभी कम नहीं है, और जिस तरह से लोकसभा की जो सीटें हैं उसमें टीएस सिंहदेव का जिस तरह से बयान है उसमें ही बड़ा ही मुश्किल है और बहुत ही कठिन मेहनत के बाद उनको जीत का हासिल हो सकती है, लेकिन 3 जो सीट हैं उसमें बहुत कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। और बिल्कुल, और उन्होंने ये स्पष्ट किया है अपनी तरफ से कि 3 सीटें बिलासपुर हो गया, उसमें दुर्ग हो गया और साथ ही रायपुर हो गया, यहाँ पर तो मुश्किल है ही और साथ ही बाकी सीटों पर भी काफी मेहनत करनी पड़ेगी कांग्रेस को। लेकिन सवाल ये भी है श्रवण कि कांग्रेस जमीन पर उतनी मेहनत करती हुई नजर आ भी नहीं रही है, महज 1-2 चेहरे हैं जो कि जनसभाएं कर भी रहे हैं और वो भी बहुत छोटे स्तर पर कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है, सत्ता से हाथ भी धोना पड़ा है, वैसे में ये देखा जा रहा है कि उनके जो अधिकतर जो बड़े नेता हैं वो नर्वस हैं, उनको एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे हैं क्षेत्र में, और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में जो है उनको रोकना चाहूंगे। आपको हमारे साथ कांग्रेस से धनंजय ठाकुर जी जुड़ गए। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। धनंजय जी, आपको, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
आ रही है आपकी आवाज़ रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर तीन प्रमुख सीटें और यहां पर जीत बहुत कठिन है कांग्रेस की, ऐसा कहना है पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी का। हालांकि बहुत ही संजीदा नेता है, बहुत सोच समझकर कोई भी बयान देते हैं और उनका ये बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब वो ये बोलते हैं कि तीन सीटों पर तो जीत कठिन है ही, बाकी बची आठ सीटों पर अगर बहुत मेहनत की कांग्रेस ने तभी जीत मुश्किल है। यानी कि विधानसभा चुनाव में जो पार्टी दावे कर रही थी बहुमत का, अब लोकसभा में बिल्कुल हार की तरफ। देखिए, कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों पर बेहतर प्रदर्शन कर रही है और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने हमेशा कहा है कि छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों में कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी से सीटें ज्यादा आएगी और हम कभी भी उस प्रकार से दावा नहीं करते, हवा हवाई बात नहीं करते जैसे भारतीय जनता पार्टी नेता कहते हैं कि हम 11 सीट जीतेंगे, 400 सीट जीतेंगे और उनको धरातल का ज्ञान नहीं होता है। और हम हर सीट की अलग अलग समीक्षा कर रहे हैं, हर सीट के लिए हमारी अलग अलग रणनीति है और हर सीट पर हमारा फोकस अलग अलग है और हमारा लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें छत्तीसगढ़ में जीतना और केंद्र में भाजपा की सरकार है उसको बदलना। तो स्वाभाविक सी बात है, हम वास्तविकता पे बात करते हैं, धरातल पे बात करते हैं, हम हवाई बात नहीं करते ना ही हम अहंकार झलकाते हैं। तो बहुत सारे लेकिन ये बात तो बिल्कुल साफ तौर पर देखी भी जा रही है धनंजय जी कि भाई उतना जमीन पर दिख नहीं रही है कांग्रेस, क्योंकि इलेक्शन की बहुत ही कम दिन बचे हैं, बस्तर में पहले चरण का मतदान होने जा रहा है और उसमें अभी भी कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं, दिग्गज चेहरे हैं, बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहे रैलियां करते हुए। हमारे साथ केदार गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता है। आप केदार जी, आप किस तरीके से लेते हैं आप इस बयान को जब पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ये कहते हैं कि रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर सीट पर तो जीत कठिन है ही, बाकी बची आठ सीटों पर भी बहुत मेहनत अगर कांग्रेस करती है तो ही जीत मुश्किल है कि मिल जाए? देखिए, बहुत स्पष्ट है, माननीय टीएस सिंहदेव जी शायद ये तीनों लोकसभा के बारे में दौरा किए होंगे और समझे होंगे जैसे जैसे, और बाकी सीटों के लिए भी उन्होंने कहा कि आठ सीटों में मेहनत की जरूरत है। वो आज ये बयान दिया है, कल जब बाकी विधानसभा लोकसभाओं में भी वो घूमेंगे तो वही बयान आएगा कि भारतीय जनता पार्टी 11 में 11 सीटें जीतेगी और कांग्रेस का जीतना मुश्किल है। वो निश्चित रूप से टीएस सिंहदेव जी हमेशा सही बात करते हैं, धरातल की बात करते हैं। मैं धनंजय जी की बात का समर्थन करता हूं कि टीएस सिंहदेव जी हमेशा धरातल की बात करते हैं। उन्होंने एक विभाग से इस्तीफा दे दिया था मंत्री रहते हुए, 18 लाख मकान नहीं बनाए जा रहे हैं, मैं अब इस विभाग में नहीं रहूंगा, वो भी हकीकत थी और उसके परिणाम सामने आए। तो आज उन्होंने जो कहा वो सत्य पर आधारित है। अभी उन्होंने तीन लोकसभा को देखा है, आठ को ऊपरी तौर पर देखा है, तो आठ में भी कह रहे हैं कि जितना मुश्किल है मेहनत करेंगे और मेहनत करता हुआ कोई काम। अब देखना है कि कितनी मेहनत कांग्रेस करती है और क्या उसका रंग निखर कर आता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, अपने अपने पक्ष रखने के लिए। तो इस तरीके से देखिए कि जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए थोड़ी मुश्किल जरूर है, लेकिन जब खुद सीनियर एक नेता बोल दें इस बात को तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खुद को कमजोर महसूस कर रही है। अब बात करेंगे बस्तर की, जहां पर कवासी लखमा के खिलाफ FIR की मांग की जा रही है। मामला दर्ज कराने थाने पहुंची बीजेपी कार्यकर्ता, जहां पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर यह कार्रवाई की मांग की जा रही है। बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ ने थाने में दिया आवेदन, कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी है कवासी लखमा और कवासी लखमा के बयान के बाद से ये कहा जा रहा है कि उनके प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। उन्होंने विवादित टिप्पणी कर दी थी प्रधानमंत्री के खिलाफ और उसको लेकर बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ ने अब मांग की है कवासी लखमा के खिलाफ एक्शन लिए जाने की। तो कवासी लखमा के लिए FIR की मांग की जा रही है। मामला दर्ज कराने थाने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचकर उनका विरोध भी करते हुए नजर आए हैं। दरअसल कवासी लखमा ने प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी कर दी थी और उसको लेकर बीजेपी काफी भड़क गई है, लगातार कार्रवाई किए जाने की मांग कर रही है। आपको बता दें कि बस्तर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कवासी लखमा, जिनके खिलाफ अब बीजेपी के कार्यकर्ता उतर आए हैं। उनका ये कहना है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए और इनके प्रचार प्रसार पर रोक लगा देनी चाहिए। बड़ी खबर है जगदलपुर से कवासी लखमा के लिए, कवासी लखमा के खिलाफ FIR की मांग। और सीधे रुख करेंगे रायपुर से संवाददाता आकाश शुक्ला और श्रीनिवास नायडू जगदलपुर से जुड़ गए हैं। तो आकाश, उस बयान को भी कोट करिएगा कवासी लखमा के, जिसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता इतना भड़के हुए हैं और उनके खिलाफ लगातार मांग कर रहे हैं कार्रवाई की। देखिए,
जी बिल्कुल, कवासी लखमा की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में कवासी लखमा के उस बयान का विरोध हो रहा है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ पिछले दिनों ने दिए थे। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि लखमा जीतेगा और नरेंद्र मोदी मरेगा। इस तरीके से बयान सामने आने के बाद भाजपा भड़क उठी थी और कार्यकर्ता हर जिले स्तर पर प्रदर्शन कर रहे थे। कारण यही था कि कल जो है निर्वाचन आयोग में भाजपा के पदाधिकारी विधायक समेत पहुंचे थे और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी और कार्रवाई की मांग की थी। अब जगदलपुर में भी भाजपा के विधि प्रकोष्ठ ने जो है वो शिकायत की है और उनको प्रत्याशी के तौर पर अघोषित करने की मांग की है, उन पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। और इधर हर जिले स्तर पर भी उनके जो बयान का है वो विरोध एक तरीके से चल रहा है। तो सीधे तौर पर देखें तो इसके चलते जो है कांग्रेस भी बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। जी जी बिल्कुल, और साथ ही श्रीनिवास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, अब जाहिर सी बात है कि पहले चरण का मतदान बस्तर में ही है और वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा, उनके खिलाफ लगातार एक्शन की मांग बीजेपी कर रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता आज पहुंच चुके हैं मांग के लिए, क्या इस वक्त स्थिति वहां पर? देखिए, छत्तीसगढ़ के पहले चरण में बस्तर में 19 अप्रैल को मतदान होना है और उसके लिए जो प्रचार प्रसार काफ़ी तेज है। कांग्रेस की जो प्रत्याशी कवासी लखमा अपने प्रचार के दौरान जो बयान दे रहे हैं उस बयान को लेकर भाजपा ने कड़ा विरोध जताया है। बात करें तो बीजापुर जिले के कुटरू में आदिवासी को भड़काने का आरोप लगाया है, तो वहीं नेमेड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसको लेकर भाजपा जो संगठन है वो लगातार विरोध कर रहा है और इस मामले को लेकर विधि प्रकोष्ठ की जो टीम है, लीगल टीम है, कोतवाली थाने पहुंचती है और उनके FIR दर्ज करने की मांग को लेकर आवेदन सौंपती है। साथ ही उनके प्रचार प्रसार पर रोक लगाने, साथ ही उनको अयोग्य प्रत्याशी घोषित करने की मांग करती है। तो कह सकते हैं कि जो बस्तर में राजनीति सियासी पारा काफी गर्मा गया है और इसको लेकर जो बीजेपी है लगातार विरोध दर्ज कर रही है कवासी लखमा को लेकर, क्योंकि कवासी लखमा लगातार जो बयान दे रहे हैं उसका भाजपा कड़ा विरोध जता रही है। जी, और जाहिर सी बात है विवादित बयान है, समाज में अराजकता भी फैला सकते हैं, कार्यकर्ता भिड़ भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों कम से जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। तो अयोग्य घोषित किया जाए बस्तर से कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा और इसको लेकर आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रमुख मांग की है। आज गरियाबंद के दौरे पर रहेंगे सीएम साय, जहां गुरुजी भाटा में जनसभा को संबोधित करेंगे। महासमुंद प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी के लिए प्रचार करेंगे। डोंगरगढ़ में मां बम्लेश्वरी मंदिर में करेंगे दर्शन। राजनांदगांव में सीएम साय करेंगे चुनावी प्रचार। तो इस तरीके से आप देखिए कि आज का जो पूरा स्केड्यूल है मुख्यमंत्री का वो आपको बता रहे हैं। गरियाबंद के प्रमुख दौरे पर आज सीएम रहने वाले हैं। गुरुजी भाटा में जनसभा को करेंगे संबोधित, वहीं महासमुंद प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी के लिए प्रचार भी करेंगे। डोंगरगढ़ में मां बम्लेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। राजनांदगांव में सीएम साय करेंगे चुनावी प्रचार। और संवाददाता तनु वर्मा जुड़ गई हैं। तनु, आज सीएम साय का पूरा स्केड्यूल जारी हो चुका है, हम देख पा रहे हैं कि लगातार आज ताबड़तोड़ जनसभाएं करने वाले हैं मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत का दावा किया है और इस दावे को पूरा करने के लिए भाजपा पूरी तरह से ताकत जो है झोंक रही है। और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का चुनावी दौरा भी जो है वो जारी है। आज सीएम साय गरियाबंद, खेड़ागढ़ और राजनांदगांव जिले के दौरे पर रहेंगे। करीब 11:30 बजे सीएम साय राजधानी रायपुर के हेलीपैड से गरियाबंद के लिए रवाना होंगे और गरियाबंद और खेड़ागढ़ में आम सभा को संबोधित करेंगे। और इसके बाद करीब 4 बजे जो है वो राजनांदगांव के लिए रवाना होंगे। राजनांदगांव में डोगरगढ़ में माता बम्लेश्वरी के दर्शन करेंगे और करीब 5:30 बजे राजधानी रायपुर के लिए वापस लौट जाएंगे। इसके साथ ही प्रचार प्रसार के साथ ही कैंडिडेट के पक्ष में माहौल बनाने के लिए इसके बाद कुछ ही दिनों में राष्ट्रीय नेताओं का भी जो बैक टू बैक दौरा है वो भी होने लगेगा। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों में सभाएं की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों और उपलब्धियों को जनता के बीच में बताया जाएगा। भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का एक प्रयास जो है पूरी तरह से किया जा रहा है इस प्रचार प्रसार के माध्यम से, और कार्यकर्ताओं को भी रिचार्ज किया जा रहा है ताकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भाजपा ने एक बेहतर परफॉर्मेंस दिया था और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाई थी, ठीक उसी तरह लोकसभा चुनाव में भी 11 की 11 सीट भाजपा जीते इसके लिए एक माहौल बनाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका तनु तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से लगातार बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कवायद की जा रही है। दंतेवाड़ा में जिला पुलिस कर्मचारियों के साथ आत्मसमर्पित नक्सलियों ने भी डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। विधानसभा निर्वाचन 2023 के बाद ये दूसरा मौका है जब इन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर गणतंत्र को छोड़कर गणतंत्र पर अपनी मुहर लगाई है। पुलिस कर्मचारी जहां बुलेट से
लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं तो वहीं बैलेट से लोकतंत्र को मजबूत भी बना रहे हैं। दंतेवाड़ा पुलिस के कुल 380 पुलिस कर्मचारियों ने डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सरेंडर कर चुके पूर्व नक्सलियों ने भी लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दिया है। पोस्टल बैलेट सुविधा केंद्र के माध्यम से आज दंतेवाड़ा जिले के जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं DRG और बस्तर फाइटर के, ये जवान आज वोट कर रहे हैं। 19 तारीख को ये जवान आरओपी ड्यूटी या अपने गश्त ड्यूटी में मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए लगे रहेंगे, इसलिए 19 तारीख को वोट नहीं कर पाएंगे। अतः पोस्टल बैलेट के माध्यम से ये आज अपना मतदान का मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये जवान बुलेट से देश की रक्षा तो करते ही हैं, साथ में आज बैलेट के माध्यम से लोकतंत्र में अपना विश्वास जाहिर कर रहे हैं। आज कुल 315 लोगों का नाम लिस्ट में शामिल है जो आज पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करेंगे और कल 65 लोग हैं जिनका पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दिनेश गुप्ता जुड़ गए। दिनेश, गणतंत्र छोड़कर गणतंत्र की तरफ नक्सली अब जो थे वो मुख्यधारा से जुड़ चुके और आगे बढ़ रहे हैं, और सबसे खास बात यह है कि इस महापर्व में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो चुकी है। दिनेश जी, हाँ, मैं बता दूं कि ये दूसरा मौका है, विधानसभा 2023 के बाद ये दूसरा मौका है कि ये जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं वो अब मतदान उन्होंने किया है बैलेट पेपर के माध्यम से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गणतंत्र पर विश्वास करके गणतंत्र को छोड़कर इन्होंने एक मुख्य धारा से जुड़कर पुलिस कर्मचारियों के साथ मतदान किया है और लोकतंत्र पर अपना विश्वास जताया है। शुक्रिया आपका दिनेश जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र पर अपना विश्वास जताना बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी से आग्रह है कि सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। दंतेवाड़ा से खबर है, गोली चलने से जवान घायल हुआ, जवान के राइफल से गलती से गोली चल गई और गोली चलने से जवान जख्मी हो गया। घायल जवान रायपुर के लिए रेफर किया गया है। IED विस्फोट में घायल चालक का रेस्क्यू करने ये जवान गया हुआ था और रेस्क्यू कर लौट ही रहे थे, जवान से गोली चल गई और उसे अपनी ही राइफल से गोली लग गई। गंभीर हालत में तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन से ये जवान लौट रहा था और इस दौरान ये उसके साथ हादसा हो गया। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हम जल्द लौटेंगे।